Assalamualaikum everyone. This is me, Dr. Krakawal. I'm a YouTuber. I'm a vlogger. Assalamualaikum viewers, welcome to my channel. इस वीडियो हम बात करेंगे फेमस पाकिस्तानी टिकटॉकर एंड व्लॉगर इकरा कमल की, जो कि आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग पे हैं, क्योंकि इन्होंने शादी से पहले हनीमून मना लिया है अपने फियोंसी अरी परवेज के साथ, और लोग आग बगूला हो रहे हैं इनकी पिक्चर्स और वीडियोस देख के कि ये क्या बगैरती है, ये क्या बेशर्मी है, शादी से पहले हनीमून मना रहे हैं, माँ बाप बिल्कुल भी नहीं रोकते, सिर्फ उन्हें पैसे चाहिए बच्ची के, बच्ची पैसे कमा के दे रही है तो माँ बाप कुछ बोल भी नहीं सकते। एस्ट्रोलॉजी की तरफ से कोई जवाब नहीं आया, वैसे अच्छा भी नहीं लगता, सिर्फ मंगनी हुई है इनकी और मंगनी तो टूट भी सकती है, अल्लाह रहम करे शादियाँ टूट जाती हैं तो मंगनी की क्या हैसियत, और ये लोग मंगनी करके हमेशा फैमिली में भी ऐसे गुस्सा रहता है, उसके अलावा बाकी बहनें भी इस तरह क्लोज हुई रहती हैं जैसे इनका सगा भाई है। और ये देखें किस तरह के पोज बन रहे हैं, इतनी करीब, इस तरह तो कोई शादीशुदा भी नहीं करते जिस तरह इन्होंने खुलेआम बेशर्मी फैलाई हुई है। आपके इस बारे में क्या ख्याल है? माँ बाप को ज़रा सा तो लगाम देना चाहिए, या ये उनकी सुनती नहीं है, या उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उन्हें बस ये है कि इकट्ठे जाएंगे, व्यूज़ आएंगे, पैसे आएंगे, तो वैसे ये अच्छी बात नहीं है। ये देखें कितना क्लोज, लेकिन ऐसा पहली बार नहीं हुआ, पहले इकरा अज़ीज़ और यासिर हुसैन वो लोग भी शादी से पहले ऐसे ही सैर करने गए थे, तब भी लोगों ने बहुत बातें बनाई थी, और अब ये टिकटॉकर क्यों पीछे रही, इन्होंने भी यही किया है। आप किस बारे में क्या राय है कमेंट में बताइए।